नवरात्रि के सातवें दिन माता के कालरात्रि रूप को देखने मुंगेली के दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग जगहों में सुसज्जित आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, जो कि भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुंगेली नगर में लगभग सभी जगहों पर माता रानी अलग अलग रूपों में आकर्षक पंडालों में विराजी हुई है। नवरात्र के सातवें दिन माता के कालरात्रि रूप को देखने मुंगेली की दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग जगहों में सुसज्जित आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, जो कि भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुंगेली नगर में लगभग सभी जगहों पर माता रानी अलग अलग रूप में आकर्षक पंडालों में विराजी हुई है। कहीं गुफा में तो कहीं तालाब में पंडाल बनाया गया है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु परिवार सहित एक पंडाल से दूसरे पंडाल रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दशहरा के दूसरे दिन सभी पंडालों से एक साथ झांकी के रूप में विसर्जित किया जाएगा। हर नवरात्र में पंचमी व सप्तमी के दिन माता के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शहर में जुटती है, जिनमें शहर से लेकर दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से भक्तों का जत्था दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों से पहुँचता है। हालांकि इस दौरान भारी भीड़ पर नियंत्रण रखने एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क रहती है। यहाँ जब भी रखा रहे 46 साल से ऐसी दुर्गा रखा रहे, पांचों मूर्ति मतलब एक जैसे है, पूरा मुंगेली तरफ वन फीस हम उसी के नाम से एक दरबार बना है। आप पूरा जगह दर्शन करके आ जाते, चतुर्गढ़ गए था, वहाँ भी वैष्णो देवी से भी आ गए हैं। हाँ, सब जगह से पूरा मुंगेली में भ्रमण करके अपना यही सेवा करते हैं। पंडा भी है अपना यहाँ का। जब से यहाँ से मूर्ति रखा थे यहाँ 46 वर्ष से, ओकर पहली से जो मूर्ति है आज तक ओकर चेहरा ना बदले है, ना बदल पाए है। और आज बाहर से भी आए मूर्ति बनाए वाले मन है, लेकिन वही शक्ल में ही बनाते आज भी। और एखन नाम अखन ओम शांति दुर्गा उत्सव समिति एखन नाम से लगातार वही नाम से चलते आते, आज भी चले थे। मुंगेली शांति ही रहे एखन नाम से वह नाम रखेगी और आगे भी यही चलते आ है। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, ACN 24।